प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक इंटरेस्टिंग और एक बड़ी मजेदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और हम सबकी चहेती दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी आपको मतलब समझाएंगी निकाह का और निकाह मुत्ता का। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नाज़िया इलाही खान मैं मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज, कोई भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद मे भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लोगों को ना पता हो, और ऑलमोस्ट जो स्पेशली मैं कहती हूँ कि लड़कियां या यंग यूथ है उनको ना पता हो। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं उनको कहूंगी कि एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आई अपना टाइम देंगी, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम अक्सर औकात तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं निकाह शादी हम मतलब कह रहे हैं कि आज इसकी शादी है, निकाह हम कहते हैं जिसको हम पेपर वर्क कहते हैं, कबूल है इसको हम निकाह कहते हैं। मैं जहां तक मैं जानती हूँ हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ऐसे ही होता है। अब एक वीडियो मैंने देखी थी, उससे रिलेटेड थी मुत्था, मतलब पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब कुछ भी इस बारे में मुझे नहीं पता था। जब ये मेरी वीडियो सामने आई तो मैंने इस वीडियो को कहा कि यार क्या बकवास कर रहा है ये क्या चीज है, इसके बारे में ये क्या बोल रहा है, हमारे इस्लाम के बारे में ये क्या है, मतलब इस तरह की काफी मुझे गुस्सा आ गया ना। फिर मैंने कहा यार रिसर्च तो करनी चाहिए। खैर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की, तो मैं खुद परेशान हो गई ये सारी बातें सोच के सुन के, कि आज तक मतलब पाकिस्तान में कभी भी मेरे तक भी नहीं आई। और आज मैं डिस्कस कर रही थी अपने फादर से, तो उनको भी इतना कुछ खास नहीं पता था, आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मेरे फादर को भी इतना खास कुछ नहीं पता था। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में भी है, हमारे कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तो हमें लोगों तक भी अवेयर होनी चाहिए। तो आज जो है आपको इसलिए मैंने बुलाया है स्पेशल, कि आप जो है इन चीजों को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। पहले तो मैं आपसे डेफिनेशन जानना चाहती हूँ मुत्ता की, कि है क्या ये। मैं निकाह मुत्ता, ज़वाज और निकाह का तीनों का डेफिनेशन मैं पहले दे देती हूँ आपको, ठीक है। देखिए निकाह जो होता है ना वो एंजॉयमेंट लव अफेक्शन विद बिटवीन टू कपल्स, इसका मतलब होता है निकाह, मतलब दो लोग जब शारीरिक संबंध करते हैं, खुश रहें एंजॉय करें लाइफ को, इसका मतलब होता है निकाह। ज़वाज का मतलब होता है शादी के बंधन में बंध जाना, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग के मौलवी मुल्ला कहते हैं ना कि आज निकाह हुआ आप लोगों का, इतना फलाना दैन मेहर हुआ, तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि इतना रुपया लड़की ले लो दैन मोहर के नाम से, और चलो दोनों मिलकर के जा करके एंजॉय करो और एंटरटेनमेंट करो। मैम निकाह का अरेबिक मतलब भी हमें समझाएगा, क्योंकि आपकी और मेरी बात से काफी लोग जो कि एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इतराफ करेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं भी पहले बहुत ज्यादा इस चीज को गलत समझती कि ये क्या बोला जा रहा है, बट जब मैंने रिसर्च की प्रॉपर तो मुझे पता चला कि ये सारी बातें सच है। तो आप भी इसका अरेबिक मतलब भी बताइएगा, ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। देखिए अनम, आप पाकिस्तान में हैं और मैं हिंदुस्तान में बैठी हूँ, और माशाल्लाह हम सब बहुत अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब गूगल को सर्च करता है, सब कुरान को बामायने पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन आपको सबसे पहले मैं प्रैक्टिकलिटी बता देती हूँ कि आप अपने पड़ोस के मस्जिद में जाइएगा, या मैं अपने बगल के पड़ोस के मस्जिद में चले जाऊँ, अगर मैं अरबिक में अपने मौलवी इमाम मुल्ला से बात करना स्टार्ट करूंगी तो वो मेरा रिप्लाई नहीं दे पाएगा और ना ही वो प्रॉपर अरबी समझ पाएगा। तो हमारे इस्लाम के मानने वाले में और हमारे मुसलमान में रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो अरबी भाषा समझते हैं, ठीक है। जिसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हिंदुस्तान से एक मर्द जो है वो दुबई गया था, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि हिंदुस्तान से एक आदमी जो है वो दुबई गया था
और वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था बैतुल खुला, अरबी में लिखा हुआ था। अब जाहिर सी बात है अरबी में है तो अरबी में, क्योंकि वहां पर अरबी चलती है, तो बैतुल खुला लिखा हुआ था। अब वो उसको चूमना स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके। तो बगल से एक इंसान जा रहा था, वो बोला तुम चूम क्यों रहे हो? तो कह रहा है अरबी में दुआ लिखी हुई। तो कह रहा है नहीं, ये तो पेशाब खाना लिखा हुआ है। तो ये जो सिनेरियो है ना हमारे साथ, जिसकी वजह से हम भी सोचते हैं अरे अरे ये बात नहीं बोल सकते हैं, अरे अरे वो बात नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। अब मैं आती हूँ कि निकाह इज जस्ट के दो लोग आपस में मिले, एंजॉय करें लाइफ को, एंटरटेन करें, दिस इज कॉल्ड निकाह। अरबिक का ये उर्दू में मतलब हुआ। अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ कि निकाह मीन्स enjoyment between two couples, that's it. अब आते हैं जवाज। जवाज का मतलब होता है कि हम शादी नुमा एक चीज में, शादी के एक बंधन में हम बंधे हैं, दो लोगों को शादी में बांधा गया है, शादी की चीज में बांधा गया है, जिसमें दान महार आता है, अगर शौहर मर जाए तो उसके बाद इद्दत आती है, या तलाक हो जाए तो तलाक की बिद्दत करनी पड़ती है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपके मेन टॉपिक पर, निकाह मुत्ताह क्या होता है। निकाह मुत्ताह इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ निकाह भी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह मुत्ता जो होता है, मान लीजिए मैं मर्द हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अनम आप लड़की हैं। अभी सपोज कर लीजिए कि मैं नाजिया नहीं, मैं नजीर हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे निकाह मुत्ता करना चाहूंगी, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक दिन के लिए मुझे आपको अपने निकाह मुत्ता में लेना है। और इस्लाम ने इस चीज की अनुमति दी थी पहले, कब खत्म किया वो मैं बाद में आऊंगी आपके पास। तो अभी भी बता, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस चीज को कबूल किया गया था, ताकि मतलब ये भी क्लियर हो जाए लोगों को कि हम लोग झूठ नहीं बोले या जो भी है। आ रही हूँ मैं उस चीज पर, आ रही हूँ। या तो आप कंटेंट क्लियर कर लीजिए, या तो आप डर लीजिए, दो में से एक काम ही हो सकता है, क्योंकि जब हम इतनी वास्ट बातें करते हैं ना, तो डर कहीं ना कहीं निकाल करके साइड में रखना पड़ता है। और हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जब हम कुरान के मानने वाले हैं, तो कुरान समझना तो जरूरी है ना। तो निकाह मुत्ता मतलब होता है कि हम एक दिन के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, हम एक हफ्ते के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, एक महीने के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, और एक घंटे के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं। ये होता है निकाह मुत्ता। ठीक है, अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि निकाह मुत्ता में अगर लड़की, मान लीजिए उसका पीरियड्स हो गया है, तो उसका स्टार्ट हो गया, वो निकाह मुत्ता में आ सकती है। अब सामने वाले, अब लड़की को अगर पीरियड 10 साल की उम्र में हो गया, तो 10 साल में उसका निकाह मुत्ता हो सकता है। अगर लड़की को 12 साल की उम्र में पीरियड्स हुआ, तो उसको 12 साल में निकाह मुत्ता हो सकता है। मुझे 14 साल की उम्र में पीरियड्स हुआ था, तो मुझे 14 साल की उम्र में मेरा निकाह मुत्ता हो सकता था, मतलब पीरियड्स के बाद। अब बात आती है कि ये निकाह मुत्ता जस्ट अ लिमिटेड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट अ लिमिटेड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको मर्द ये बोल करके, डायरेक्ट ये बोल करके ही वो अपनी निकाह मुत्ता में लेता है कि मैं तुमको एक घंटे के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ, या मैं तुमको एक दिन के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ, या मैं तुमको पांच महीने के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ। अब मैं आपको एक ओरिजिनल ट्रू स्टोरी मैं सुना देती हूँ। कश्मीर में ऐसा बहुत हुआ था। आज अगर कश्मीर इतना खुश है 370 के हटने के बाद, आज अगर कश्मीर में इतनी खुशियां देखी जा रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि वहां पर निकाह मुत्ता के नाम पर जो इलीगल तरीके से जो पाकिस्तानी आते थे, वो अगर किसी लड़की को पसंद कर लेते थे, तो उसको निकाह मुत्ता में लेकर के उसके साथ सेक्स करके उसको तलाक दे देते थे, कहते थे हो गया। और वो ये साफ कहते थे कि हमने इस्लाम के दायरे में तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। समझ में आई आपको बात? एंड दिस इज द रीजन कि 370 हटने के बाद कश्मीरी लड़कियां
जितनी बेबाक अभी होकर के बात कर रही हैं, जितनी बेबाक होकर के अभी घूम रही हैं, टहल रही हैं, जितनी बेबाक होकर के वो अपने एडुकेशन को पूरा कर रही हैं, एक वक्त था जब उस वक्त काफी प्रॉब्लम्स। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और आपने जाने भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी का पॉइंट ऑफ व्यू निकाह और निकाह मुत्ता के बारे में और कैसे उन्होंने डीप से समझाया निकाह का असली मतलब क्या होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत।